मैंने वो थ्री ऑफ डायमंड्स को डेक के बीच में डाल दिया है। अब मैं इसको शफल करना स्टार्ट करूंगा। बाकी के कार्ड मैं नीचे रख देता हूँ। अब मेरे को ये दो एस मैं एक ऊपर और एक नीचे रख देता हूँ। बाद में अब मैं इसको स्लाइड करता हूँ। 1, 2, 3 जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों एसेस के बीच में कार्ड अटक गया है, तो वो है थ्री ऑफ डायमंड्स। हेलो, अभी मैं उसका ट्यूटोरियल दूंगा। तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स को दिखाइए कि मैंने सब कार्ड शफल कर दिए, या तो आप पहले से शफल करके रखिए कार्ड। बाद में उनको बोलिए इनमें से एक कार्ड चूज़ करने के लिए, जैसे कि अभी के लिए मैं कर देता हूँ, उनने ये कार्ड चूज़ किया तो वो है फोर ऑफ लोक्स। तो उसको आप पलट के सामने रख दीजिए। अब बोलिए कि उसके ये मैजिक के लिए मेरे को दो एसेस चाहिए, तो मैंने दो एसेस साइड में रखी है। तो बाद में वो कार्ड को उठा के डेक के अपने मिडिल फिंगर से डेक को उठा के उस वो कार्ड को बीच में रख दीजिएगा। पर बीच में रखने के बाद वो बीच मिडिल फिंगर उसके बीच में रख दीजिएगा। मिडिल फिंगर आप वो जिधर आपने कार्ड रखा है वो उसके बीच में मिडिल फिंगर रखेगा। बाद में उसको बोलेगा मैं उसको कार्ड को शफल कर दे रहा हूँ। बाद में आप थोड़े अलग टाइप से शफल करना स्टार्ट कीजिएगा। बी सिर्फ ऊपर का कार्ड सिर्फ आप उठाइएगा ऐसे, तो कार्ड वही रहेगा। ओके, बाद में बोलेगा बाकी के कार्ड मैं नीचे रख देता हूँ। तो जब आप नीचे रखेंगे तो फोर ऑफ क्लब्स नीचे आ जाएगा। बाद में वो दो एसेस जो है उसको एक ऊपर रखेगा, बाद में दूसरा एसेस नीचे रखेगा। पर ध्यान रखे वो जो क्लब्स है उसके बीच में फिंगर्स डाल के रखेगा। तो जब आप स्लाइड करेंगे तो बीच में अटक जाएगा। तो जैसे कि 1, 2, 3 अभी के देखिए ये बीच में अटक गया। अभी तो हुआ नहीं, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।